नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी टीवी 20 न्यूज के प्रिय दर्शकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की व और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी की आजमगढ़ जिले में एक बार फिर से हुई आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे शहर के कई मोहल्ले पानी से डूबे हुए हैं और बच्चों को व ऑफिस आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले में सितंबर के दूसरे हफ्ते की बारिश के बाद हुए जलभराव से जनता अभी उबर भी नहीं पाई थी कि दो दिन से लगातार जारी बारिश ने जनता को मुसीबत में डाल दिया। बाढ़ की संभावना को देखते हुए और विगत कई दिनों से पानी में डूबे लोगों के लिए डीएम द्वारा 6 मैरिज हालों को अधिग्रहित किया गया है, इनमें राहत शिविर बनाए जाएंगे। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में लगातार बारिश हो रही है, अभी मंगलवार तक बारिश होने की संभावना है। तमसा नदी का जलस्तर विगत कई दिनों तक बारिश न होने के कारण 1 से 1.5 फीट तक नीचे हो गया था, जो एक बार फिर से बढ़ गया है। ऐसे में शहर के निचले इलाकों में लोग विगत 15 दिनों से पहले से डूबे हुए हैं। जो पानी निकाला गया था वो एक बार फिर से पानी में डूब गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए 6 मैरिज हालों के राहत शिविर बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें देवम मैरिज हॉल, करतालपुर, चौधरी गेस्ट हाउस, बंधन टेट हाउस, अराजीबाग, शाकुंतलम मैरिज हॉल, करतालपुर, पंचशील बाटका अलवल और वसुंधरालय दलालघाट को अधिकृत किया गया है। सभी मोहल्लों में सभासदों की टीम बनाई गई है। उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वह मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों से पूछें, अगर कोई अपने घर को छोड़कर यहाँ आना चाहता है तो उसे वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। उनके रहने खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी एडीएम वित्तम राजस्व को सौंपी गई है। तो दो दिन की बारिश से फिर पानी पूरा भर गया। देखिए, ये बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ा ही अनटाइमली बारिश है, क्योंकि इस टाइम कभी इतनी बारिश नहीं हुई और पिछले 24 घंटे में करीब 220 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, जो कि इस महीने में मुश्किल ही देखने को मिलती है। पुराने जो बारिश हुई थी उसको निकालने के लिए जो प्रयास किए गए थे, काफ़ी पानी निकल भी गया था, अब पुनः पानी के वापस भर गया है। तो हमने उसमें 2-3 व्यवस्था की हैं। एक तो एक पंप और मंगाया गया है, उसको बस बारिश जैसे ही रुकेगी उसको लगाया जाएगा, क्योंकि बड़ा पंप है जो बागेश्वर में लगना है। बट मेरा अनुरोध है कि जिनका घर, हम क्या कर रहे हैं, हर मोहल्ले में जहाँ पे पानी भरता है, जिसमें ट्रेडिशनली इस बारिश में देखा गया, उसमें एक टीम बना दे रहे हैं। टीम 2 तरह से बनाई गई है, एक तो सब